हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ डिसकन्टीन्यूटी और उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स भी कर चुके हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने वीडियो लेक्चर का पी फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक में प्रोवाइड किया है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और एक बार उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए उसके बाद आप वीडियो देखिए तो उससे आपको फायदा होगा उससे आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम वन है इफ़ एफ एंड जी आर टू कंटीन्यूस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन डी देन एफ प्लस जी इज कंटीन्यूस ऑन डी एफ माइनस जी इज़ कंटीन्यूस ऑन d, एफ जी इज़ कंटीन्यूस ऑन डी एंड एफ upon जी इज continuous on d प्रोवाइडेड जी इज नॉट इक्वल to जीरो डेट means अगर कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है एफ और जी तो उनका सम डिफरेंस, प्रोडक्ट कॉसेंट ये सारा कंटिन्यूस होता है प्रोवाइडेड जब हम लोग एफ बाई जी को कंटिन्यूस बोलेंगे तो एक चीज ध्यान रखना है बस कि जी तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है सेकेंड थ्योरम सेकेंड थ्योरम अपना है द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन अगर मान लो सपोज करो एफ और जी कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं तो वो उनका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस होगा तो उसका प्रूफ देखते हैं जी ओ एफ एग्जिस्ट कब करता है हम लोग को पता है जी ओ एफ एग्जिस्ट तभी करता है जब रेंज सबसेट हो डोमेन ऑफ जी का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ए ले लेते हैं एफ का डोमेन में तो एफ ए जो होगा वो क्या होगा जी का डोमेन में होगा और ये एक अपना थ्योरम में दिया हुआ है कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू एफ़ क्या है कंटिन्यूस है और g भी कंटिन्यूस है तो अगर f कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पे, तो डैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू उसी प्रकार से g कंटिन्यूस है उसका डोमेन में और g का डोमेन है एफ ए तो डेट मीन्स लिमिट वाई टेंडिंग टू एफ ए जी ऑफ़ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ए अभी अगर हम लोग y को एफ एक्स से रिप्लेस कर दे तो ये अपना आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एफ एक्स इजल टू जी ऑफ एफ ए और जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग जी ओ एफ लिख सकते हैं तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा दिख रहा है साफ साफ कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया दैट मीन्स जी ओ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए कुछ थ्योरम्स है जैसे कि कॉन्स्टेंट uh, फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है एफेक्स इज इक्ल टू सी ये इस सब का प्रूफ बहुत इजी है आप लोग खुद से कर सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन हो गया या फिर आइडेंटिटी फंक्शन हो गया या पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया ये सारा क्या होता है एवरीवेयर कंटिन्यूस मतलब हर जगह कंटिन्यूस होता है सिमिलरली मॉडुलरस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है हाँ लेकिन ध्यान रखिए टैन फंक्शन कॉड फंक्शन सेक फंक्शन और कॉसेक फंक्शन जो होता है वो अपना डोमेन में कंटिन्यूस होता है अपना डोमेन में कहने का मतलब जैसे टेन फंक्शन है तो टेन फंक्शन हम लोग को पता है पाए टू पे इन्फिनी होता है तो अगर हम लोग ओपन इंटरवल जीरो से पाए टू लेंगे तो उसमें वो एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा तो टैन कॉट सेक या कॉसिक के लिए अगर हम लोग बात करें तो अपना वो डोमेन में कंटिन्यूस होगा देखिए कुछ एग्जांपल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है कुछ एग्जांपल्स है जिससे फर्स्ट एग्जांपल है अपना एफ एक्स इजिक्वल टू जब एक्स फोर नहीं है तो है अपना मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर और जब एक्स इजिकल टू फोर है तो अपना ये है ज़ीरो हम लोग को क्या करना है सो so डैट एफ इज़ एवरीवेयर वेयर कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इज वल टू फोर मतलब एक्स इज इक्वल टू फोर के अलावा हर जगह कंटिन्यूस होगा ये प्रूफ करना है तो कुछ नहीं करना है देखिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं ये जो डिफिनेशन है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू फोर इसको ब्रेक करते हैं मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं वेन एक्स इज़ लेस देन फोर एंड वेन एक्स इज ग्रेटर देन फोर अब जाहिर सी बात है जब एक्स फोर से छोटा होगा तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर होगा वो माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर के साथ ओपन होगा और एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर कैंसिल आउट हो के माइनस वन आएगा सिमिलरली जब एक्स ग्रेटर देन फोर होगा तो मॉड जो होगा पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा तो वहाँ से अपना आ जाएगा वन और एक्स इजल टू फोर पे तो ज़ीरो दिया हुआ है तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि जब एक्स लेस देन फोर है तो एफ एक्स के आ रहा है माइनस वन माइनस वन क्या है कॉन्सटेंट फंक्शन और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है एवरी वेयर कंटिन्यूस होता है सिमिलरली जब एक्स ग्रेटर देन फोर है तो यार एफ एक्स अपना है वन और ये भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो मतलब एक्स ग्रेटर देन फोर के लिए भी एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा बस बचा क्या एक्स इजिक्वल टू फोर तो एक्स इजल टू फोर पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आराम से निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो माइनस वन आएगा और राइट हैंड लिमिट अपना क्या आएगा वन तो साफ दिख रहा है कि एक्सुगल टू फोर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डैट तो मीन्स एक्सल टू फोर पे कंटिन्यूस नहीं होगा और इसके अलावा एक्सुगल टू फोर के अलावा वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है एक और एग्जाम्पल देखिए सो so डैट एफ एक्सुगल टू मॉड ऑफ वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस हम लोग को दिखाना है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल लेंगे हम लोग थ्यूरम का यूज करने जा रहे हैं किस प्रकार से थ्यूरम का यूज करेंगे देखिए हम लोग दो फंक्शन कंसिडर किए हैं जी एक्स जी एक्स से अपना वन माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स और एच एक्स से अपना मॉड ऑफ एक्स अगर हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन ले लेते हैं एच ओ जी तो एच ओफ जी कम्पोजिट फंक्शन लेंगे तो ये अपना एफ एक्स के बराबर आ जाएगा ठीक है अब अगर हम लोग सेपरेट एच एक्स और जी एक्स को अगर ध्यान से देखें सबसे पहले जी एक्स को देखिए जी एक्स जी एक्स क्या है वन माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स अभी देखिए यहाँ पर वन माइनस एक्स है वन माइनस एक्स जो है वो एक पोरिनोमियल फंक्शन है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और मॉड ऑफ़ एक्स मॉडल फंक्शन ये भी हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और स्टार्टिंग में ही हम लोग थीरो में पढ़े थे कि द सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन डैट मीन्स जी एक्स क्या हो जाएगा एवरीवेयर कंटिन्यूस सिमिलरली एच एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स ये भी अपना एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो इनका कंपोजिशन लेंगे हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो भी कंटिन्यूस होता है सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है अपना सो डैट एफ एक्सगल टू साइन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स ये भी बहुत ईजी है आप लोग खुद से कर सकते हैं देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए साइन ऑफ़ ई की पावर एक्स यहाँ पर साइन एक्स और ई की पावर एक्स दोनों क्या है एवरीवेयर कंटिन्यूस और इनका कंपोजिशन लेंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा सिमिलरली कॉस और मॉड ऑफ एक्स का कंपोजिशन लेंगे तो ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा और सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन कुछ नोट करने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखिए ध्यान से इफ़ एफेक्स इज कंटिन्यूस एंड जी एक्स इज डिसट equal to a, then product h x equal to f x into g x is not necessarily be discontinuous at x equal to a. मतलब अगर f x continuous है और g x continuous है x equal to a पे, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट डिसकन्टीन्यूस होगा जैसे कि एग्जाम्पल देखिए हम लोग एफ एक्स ले लिए एफ एक्स ईक्ल टू एक्स लिए हैं और जी एक्स लिए हैं वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो साइन वन बाई एक्स एंड वेन एक्स इक्ल टू ज़ीरो इट इज़ीरो अभी अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स तो कुछ इस प्रकार से फंक्सन डिफाइन हो जाएगा मतलब जब एक्स नॉट इक्ल टू ज़ीरो होगा तो एक्स साइन वन बाक्स होगा और एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ज़ीरो होगा हम लोग कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं कि ये एक्स साइन वन बाइक्स जो होता है वो कंटिन्यूस होता है लेफ्ट हैंड क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वह जीरो आएगा और ज़ीरो पर तो ज़ीरो दिया हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस आ गया तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर कोई दो फंक्शन लेते हैं एक फंक्शन कंटिन्यूस हो और दूसरा कंटिन्यूस ना हो और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि वो डिसकन्टीन्यूस हो जाएगा सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है सेकेंड पॉइंट है नोट करने वाली बात कि उसी प्रकार से अगर कोई दो फंक्शन लेते हैं अगर दोनों डिसकन्टीन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है इनका प्रोडक्ट भी डिस्कटीन्यूस होगा फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हम लोग एफ़ एक्स को डिफाइन किए हैं जब एक्स पॉजिटिव है तो वन है और एक्स नेगेटिव है तो माइनस वन और जी एक्स है जब एक्स पॉजिटिव है तो माइनस वन और जब एक्स नेगेटिव है तो वन अब इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस वन आएगा माइनस वन क्या है कॉन्सटेंट फंक्शन है और कॉन्सटेंट फंक्शन क्या होता है एवरीवेयर वेयर कंटिन्यूस तो इसलिए अपना एच एक्स भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों डिसकन्टीन्यूस था लेकिन इनका प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया कंटिन्यूस आ गया क्लियर है एक बहुत ही फेमस uh, एग्जाम्पल है चलिए उसे देखते हैं अगर कोई फंक्शनल uh, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई मतलब सारे एक्स और वाई के लिए अगर ये रिलेशन ट्रू है और फर्दर ये भी दिया हुआ है कि अगर x इक्वल टू जीरो पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो प्रूफ कीजिए कि वो जो एफ़ एक्स होगा वो एवरीवेयर वेयर कंटिन्यूस होगा मतलब सारे x के लिए कंटिन्यूस होगा तो देखिए कुछ नहीं करना है डिफिनेसन यूज़ करना है एफ़ एक्स कंटिन्यूस है ये दिया हुआ है एफ एक्स कंटिन्यूस है जीरो पे तो डैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा एफ़ ऑफ जीरो माइनस एच एफ ऑफ़ जीरो माइनस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर ये डिफिनेशन यूज करें एक्स के जगह जीरो ले लेते हैं और वाई के जगह माइनस एच ले लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन एफ ऑफ जीरो माइनस एच कैन बी रिटेन जीरो प्लस एफ ऑफ माइनस एच सिमिलरली एफ ऑफ जीरो प्लस एच कैन बी रिटेन प्लस एफ ऑफ एच और अगर हम लोग एफ ऑफ जीरो कैंसल आउट कर दे पूरा इक्वेशन से तो यहाँ से अपना एक रिलेशन आ जाएगा लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच इजिकल टू लिमिट एसटेंडिंग टू जीरोल टू जीरो अब कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं एक्सिकल टू ए पे यहाँ पर अगर एक्सिकल टू ए पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एसटेंडिंग टू जीरो ए माइनस एच इसको फिर से अगर ये डिफिनेशन यूज करें एफ ऑफ एक्स ये डिफिनेशन अगर हम लोग यूज करें तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एफ ऑफ़ माइनस एच और यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ ऑफ़ माइनस एच जीरो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं तो ये क्या आ जाएगा एफ ए प्लस ज़ीरो सिमिलरली राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ए प्लस एफ एच विच इज़ अगेन इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया एंड विच इज़ इक्वल टू एफ ए फंक्शनल वैल्यू दैट मीन्स दिस इज एफेक्स इज कंटिन्यूस एट टू ए और चूंकि हम लोग ए एक आर्बिट्री पॉइंट लिए थे तो डेट मीन्स एफ एक्स जो होगा वो एवरी वेयर कंटिन्यूस होगा चलिए लास्ट टॉपिक बच रहा है कंटीन्यूटी का वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरम है इसका बहुत ही अच्छा अच्छा अप्लीकेशन है तो इसका स्टेटमेंट क्या है देखते हैं इफ़ एफेक्स इज कंटिन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी अगर फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और ए और बी कोई दो भी कोई दो नंबर है सच डेट एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी देन फॉर एनी वैल्यू सी बिलोंगिंग टू एफ ए कॉमा एफ बी देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी फॉर विच फॉर विच एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी देखिए ग्राफ से देखिए ये कोई ग्राफ लिए फंक्शन कोई भी फंक्शन का ग्राफ है एक्स इज ऐक्स इक्वल टू ए पे एफ ए है और एक्स इक्वल टू बी पे एफ बी है क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है ये डिफिनेशन ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी तो uh, कोई सी ले लेते हैं जो कि एफ ए और एफ़ बी के बीच में है तो कम से कम एक कोई ना कोई एक एक्स नॉट जरूर मिलेगा एक्स और ए और बी के बीच में सच डैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी होगा साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर हम लोग को एक एक्स नॉट मिल गया सच डैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या है सी है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एटलीस्ट बोला है मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही ऐसा एक्स नॉट मिलेगा एक से अधिक भी मिल सकता है फॉर एक्ज़ाम्पल अगर हम लोग सेकेंड ग्राफ देखें ये सेकेंड ग्राफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x टू ए पे अपना एफ ए है और एक्स एक्स इजल टू बी पे ये अपना एफ बी है अभी यहाँ पर यहाँ भी आ, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ़ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी और अगर हम लोग कोई सी सी अगर ले ले जो एफ़ ए और एफ़ बी के बीच में है तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोग को ऐसा तीन एक्स मिल रहा है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इज ईक्ल टू एफ ऑफ एक्स थ्री एंड दिस इज इक्वल टू सी तो यही है अपना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट इसी का एक रिजल्ट है देखिए इसका रिजल्ट ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और एफ ए और एफ बी का ऑपोजिट साइन है देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रियल रूट मतलब कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा इसी का इंटरमीडियट फिलियोथिरम का ही एक वन ऑफ द केस है ये बस करना क्या है यहाँ पर सी के जगह हम लोग क्या किए जीरो ले लिए हैं और कुछ नहीं देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स इजल टू ए पे क्या आ रहा है एफ ए आ रहा है और एक्स इजल टू बी पे एफ बी आ रहा है एफ ए का साइन नेगेटिव है और एफ बी का साइन पॉजिटिव है तो अपोजिट साइन का है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार जरूर कट करेगा और वही उसका ये रूट हो जाएगा सेकेंड ग्राफ में भी देख सकते हैं आप सेकेंड ग्राफ में एक्स इक्वल टू ए पे एफ ए है और एक्स इक्वल टू बी पे एफ बी है यहाँ पर भी एफ ए और एफ बी का ऑपोजिट साइन है और यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस को कितना बार कट कर रहा है तीन बार एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री तो मतलब एफ ए और एफ बी का अगर ऑपोजिट साइन है देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक रूट ज़रूर मिलेगा यहाँ पर कितने रूट मिल रहा है तीन रूट तो इस तरह यहाँ पर हम लोग का कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है मैं आप लोग को डी प्रोवाइड कर रहा हूँ लिंक में मिल जाएगा आप इसे सॉल्व कीजिए और अच्छे तरीके से बनाइए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्रेंसिबिलिटी स्टार्ट करेंगे थैंक यू